नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि रणबीर किस तरीका से रोता हुआ नजर आने वाला है प्राची और सिड की शादी में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सिड की शादी में जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ देखकर इस समय रणबीर बहुत ज्यादा भावुक हो रहा है, क्योंकि उसे वो ही सब कुछ वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं प्राची के साथ में जो उसने जिए हैं। और वाकई में प्राची के साथ में एक से एक अच्छी यादें भी हैं इस समय रणबीर के पास में, लेकिन रणबीर करे भी तो करे क्या, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से रणबीर लगातार वो मोमेंट्स याद कर रहा है कि प्राची के साथ में अच्छी खासी यादें थीं। लेकिन अब रिया और आलिया भी खुश हो रही हैं कि चलो फाइनली प्राची और सिड इस घर से हमेशा हमेशा के लिए अब विदा हो रहे हैं, क्योंकि प्राची की सिड के साथ में शादी हो जाएगी तो रणबीर अब हमेशा के लिए मेरा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे बड़ी अपडेट भी बताता हूँ कि ये शादी नहीं होने वाली, क्योंकि जयमाला तो पड़ जाएंगे लेकिन फेरे नहीं हो पाएंगे प्राची और सिड के। हालांकि काफ़ी समय से रणबीर भी यही प्रे कर रहा था कि भगवान मैं कैसे बताऊं प्राची से कि मैं इतना प्यार करता हूं, क्योंकि अब प्राची से कुछ कहने लायक भी नहीं है रणबीर, क्योंकि रणबीर ने बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई थी प्राची को कि जाओ तुम शादी कर लो, और बहुत गंदी तरीका से उसके साथ में बर्ताव भी किया था रणबीर ने लास्ट टाइम। अब लेकिन अब वो प्राची से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस चीज़ को बोलता हुआ भी नज़र आ रहा है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में अब तो देखने को मिलेगा कि रिया के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हाथ लगने जा रहे हैं जिसके बाद में रिया का फंसना बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, और रिया फंसेगी। फंसने के साथ साथ में आप लोग जान पाएंगे कि किस तरीका से वो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचने वाली, इतनी गंदी तरीका से रिया और आलिया दोनों का ही पोल पट्टी खुलती हुई नजर आने वाली है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।